क्रिसमस की रात थी, पार्टी की बात थी और अल्लाह ने बचा लिया सलमान को सांप के वार से। सही सुन रहे हैं, जन्मदिन से ठीक पहले सलमान खान की जिंदगी बची है। जन्मदिन से ठीक पहले सलमान को जिंदगी का तोहफा मिला है। तो सलमान के चाहने वालों, नाचो गाओ जश्न मनाओ, क्योंकि सलमान खान बाल बाल बचे हैं। सांप ने तो डस लिया था, मगर टाइगर जिंदा है। सुपरस्टार सलमान खान को उनके फार्म हाउस पर एक सांप ने काटा। घटना आज सुबह 3 बजे की है। तुरंत उनको नजदीकी कामोठेके एमजीएम अस्पताल में ले जाया गया, जो कि लगभग 10 किलोमीटर वहां से दूर थी। अच्छी बात ये रही कि सांप जहरीला नहीं था, इसलिए सलमान खान को कुछ देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया, फर्स्ट एड दिया गया, जिसके बाद उनको वहां से डिस्चार्ज दे दिया गया। कोई भी सीरियस सिम्टम्स नहीं है और सलमान खान बिल्कुल स्वस्थ है। क्रिसमस सेलिब्रेट करने सलमान अपने पनवेल के फार्म हाउस पर गए थे। वहीं पर सलमान को सांप ने काट लिया। सलमान को रात 3 बजे कमोठे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 घंटे तक सलमान का इलाज चला। सलमान को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। सुबह 9 बजे सलमान वापस फार्म हाउस लौटे। शुक्र था कि जिस सांप ने सलमान खान को काटा वो जहरीला नहीं था, वरना हिंदुस्तान में दुनिया के करीब 10% सांप हैं और सांप की 3000 से ज्यादा प्रजातियों में 600 प्रजातियां भयानक जहरीली हैं, जिनका काटा पानी तक न मांगे। और हाँ, सुनकर हैरानी होगी कि देश में 58,000 लोगों की हर साल मौत सिर्फ सांप काटने से हो जाती है, मगर सलमान बाल बाल बचे हैं। In India, almost 58,000 deaths occur per year because of snake bite. Hence, it is very important for all of us to know what to do if you have a snake bite. First and the most important thing is that keep yourself calm. Just calm down, relax, and also make arrangements to rush to the hospital at the same time. चंद घंटे बाद सलमान खान का जन्मदिन है और जन्मदिन के ठीक पहले हुआ यह हादसा भयानक था। सोचकर ही रूह कांपती है कि बॉलीवुड के दबंग को सांप ने काट लिया। सलमान खान जब भी अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं, वो अपने इसी पनवेल वाले फार्म हाउस पर आते हैं। इसका नाम है अर्पिता। सलमान अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस और फिर क्रिसमस के बाद अपना जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पहुँचे थे। वैसे तो अपने फार्म हाउस के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ है, लेकिन हादसे बता के कहाँ होते हैं, लिहाजा सलमान के साथ ये हादसा हुआ। मगर गनीमत ये रही कि समय रहते सलमान को अस्पताल पहुंचा दिया गया। आपको बता दे, सलमान खान का जो फार्म हाउस है वो पनवेल में है और जब भी सलमान खान को समय मिलता है वो अपने फार्म हाउस पर ही बिताते हैं। उनको ज्यादातर समय अपने फार्म हाउस पर बिताना, अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ उस फार्म हाउस पर समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। ये फार्म हाउस है बहुत ही बड़ा है और आसपास जंगल और पहाड़ी इलाका भी है। सलमान ने लॉकडाउन के दौरान इसी फार्म हाउस पर लंबा वक्त गुजारा था। तब इसी फार्म हाउस में खेती करते हुए उनकी ये तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। सलमान खान के साथ जैकलीन फर्नांडिस भी तब नजर आई थी। बताया जाता है कि सुल्तान का दंगल वाला सीन और बजरंगी भाईजान के कुछ सीन्स भी सलमान ने अपने इसी फार्म हाउस में शूट कराए थे, लेकिन वो पुरानी बात थी। आज की बात ये है कि इसी फार्म हाउस में सलमान को सांप ने डस लिया, लेकिन सलमान खान एकदम ठीक है। सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।